नमस्कार दोस्तों, टर्न लाइफ मीडिया में फिर से आपका स्वागत है। ऑटो एक्सपो 2020 में रेनो ट्राइबर का एक नया वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया है, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया। जैसे हम सभी लोग पहले ही एक्सपेक्ट किया 2020 में BS6 स्टैंडर्ड के साथ में ट्राइबर आने वाला है, वैसे ही BS6 स्टैंडर्ड के साथ में रेनो ट्राइबर को इंट्रोड्यूस किया है। उसके साथ में काफ़ी और भी अच्छे फीचर्स इस गाड़ी में नया वेरिएंट में आया है, उसके बारे में मैं जल्दी कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। एक तो BS6 स्टैंडर्ड के साथ में गाड़ी आया, दूसरा AMT ट्रांसमिशन के साथ में ऑटोमेटिक गियर के साथ में रेनो गाड़ी को लाया है। ये भी बहुत बढ़िया एक फीचर है, काफ़ी लोग AMT के लिए इंतजार कर रहे था, सो श्योरली दे आर गोइंग टू बाई दिस कार, जरूर एक कार को परचेस करने वाले। और मुझे अच्छा लगा एक फीचर, इस गाड़ी में डुअल टोन कलरिंग दिया है। डुअल टोन का मतलब गाड़ी का बॉडी का भाग एक कलर में और ऊपर जो रूफ का भाग दूसरा कलर में दिया है। मेरा इसे एक ओपिनियन था ट्राइबर में कलर ऑप्शंस कम है, क्योंकि उस जो एवलियर जो 5 कलर आया उसमें से सिर्फ मैं लाल कलर और ब्लू कलर को मैं पसंद करता था, बाकी 2-3 कलर और रहे लेकिन मुझे उस कलर से उतना पसंद नहीं था। जैसे दूसरे गाड़ियों में अतिया हो, डैक्सन गोप्लोस हो, वैसे गाड़ियों में ना तो डस्टर का भी अच्छे अच्छे कलर्स में डस्टर आते थे, वैसे ऑप्शन ड्राइवर में नहीं दिया, बोल के मुझे थोड़ा जब मैं गाड़ी लेने के लिए आया मुझे थोड़ा दुख होते था। लेकिन अभी जो ऑटो शो में जो डिस्प्ले किया गाड़ी का कलर, जो डस्टर का कलर में जो ब्राउनिश कलर में जो डस्टर आते उसी कलर में अभी ट्राइबर को मिला है, इसका मतलब अभी जो नया वेरिएंट आएगा उसमें काफ़ी कलर ऑप्शंस रहेगा डुअल टोन में आ रहे। इस कारण से कहना गाड़ी का लुक बहुत बढ़िया हो गया है। ऑलरेडी गाड़ी ट्राइबर बहुत बढ़िया दिखता था लेकिन जैसे डुअल टोन भी आ गया और ऊपर का जो रूफ रेल का भी कलर एकदम अलग दिया और इंटीरियर में भी थोड़ा कलर का चेंजेस, स्पेशली डुअल टोन डैशबोर्ड में जो रूफ रेल को दिया उसी कलर दिया, वैसे इंटीरियर में भी थोड़ा इनोवेशन किया है, थोड़ा चेंजेस किया, इसलिए ऑल टुगेदर गाड़ी का लुक्स बहुत बढ़िया हो गया। और व्हील का बारे में बोलेंगे तो अभी जो ऑटो एक्सपो में डिस्प्ले में रखा उस गाड़ी का अलॉय व्हील, उसका डिजाइन बहुत बढ़िया दिखते, वो भी 16 इंच व्हील के साथ में अभी ड्राइवर का नया व्हील डाला है। मतलब पहले जो 15 इंच व्हील देते था RX-SR मॉडल में, अभी लेकिन 16 इंच व्हील के साथ में अभी नया गाड़ी को ला रहे, मतलब काफ़ी अच्छा फीचर्स ऐड हो गया। BS6 स्टैंडर्ड में आया, दूसरा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आया, कलर ऑप्शंस अभी मिलेगा, डुअल टोन में गाड़ी अभी इंट्रोड्यूस हो गया है। व्हील का साइज 16 इंच व्हील बन गया है और गाड़ी के अंदर का इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किया है। ऑल टुगेदर थोड़ा ड्राइवर का लुक्स बढ़िया बना के और अच्छा बना के गाड़ी को लाया है। लेकिन ये बात भूलना नहीं है, काफ़ी लोग ऐसे सोशल मीडिया में रूमर्स फैलाया था अभी टर्बो इंजन के साथ में गाड़ी आने वाला है, लेकिन जो गाड़ी अभी इंट्रोड्यूस हुआ उसमें टर्बो इंजन नहीं है, जो पहले का वही इंजन 1 लीटर का वही एनर्जी का इंजन दिया है, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंजन है अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो कुछ दिक्कत नहीं होते, तो टर्बो इंजन ऐड करने का जरूरी नहीं है। अगर टर्बो इंजन ऐड करेगा तो जैसे मैं पहले एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था गाड़ी का माइलेज कम होने वाला है और गाड़ी का रेट भी बढ़ने वाला है, ये सब फीचर्स के साथ में जरूर गाड़ी का रेट बढ़ने वाला है, क्योंकि AMT आया, BS6 आया और गाड़ी का व्हील साइज बढ़ गया, डुअल टोन में आया, ये सब फीचर्स गाड़ी में ऐड होगी, इसलिए जरूर गाड़ी का भाव बढ़ने वाला है। लेकिन अगर टर्बो इंजन भी ऐड करेगा तो और भी भाव बढ़ने वाला था और जो दूसरा कॉम्पिटिंग गाड़ियों के साथ में ड्राइवर को कॉम्पेट नहीं कर पाएगा, इसलिए रेनो ऐसे एक कहना गलत डिसीजन नहीं लेने वाला था। वो लोग जो जरूरी नहीं है वैसे फीचर्स ऐड करके भाव वर्थ में बढ़ाने वाला नहीं था, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया, जैसे मैंने उस समय प्रिडिक्ट किया वैसे अभी तक कहना रेनो का ट्राइबल में टर्बो इंजन ऐड होके आया नहीं, बाकी सब फीचर्स सेम है। पहले का गाड़ी में जो फीचर्स था, गाड़ी का अंदर का स्पेसिंग, बूट स्पेस, गाड़ी के लेंथ, ब्रेथ, ऐसे जो बाकी सभी फीचर्स सेम टू सेम रखा है, लेकिन इतना आर्डर फीचर्स के साथ में नया वेरिएंट आया है। अगर पहले का गाड़ी बहुत बढ़िया दिखता था और अच्छा से
उसका सेल्स हो गया, सुपर हिट हो गया, ये गाड़ी तो और भी सुपर हिट होने वाला है, क्योंकि देखो ये गाड़ी अभी डुअल टोन में आया और एक एसयूवी लुक का, जैसे मैं ऐसे कहना चाहता हूँ जो रेनो का कैप्चर करके गाड़ी था ना, जो रेनो का कैप्चर है ना एसयूवी कॉम्पैक्ट एसयूवी, अभी ट्राइबर का डुअल टोन के साथ में ऐसे मुझे लगा एक कैप्चर का मतलब एक फीलिंग, लुक में नहीं बोलेगा क्योंकि शेप में बहुत फर्क है, हाइट तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ऐसे फीलिंग मुझे लगा एक कैप्चर को मैं दूर से देख रही, इसलिए कहना ट्राइबर मार्केट में बहुत चलने वाला है, मुझे ऐसे लगा मैं 2-3 महीने रुके गाड़ी लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ट्राइबर परचेस किया, अभी मैं गाड़ी बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन दोस्तों आई एम गोइंग टू बाय ट्राइबर इन द कमिंग डेज, बेस्ट लक फॉर दम, आपको और एक बढ़िया अच्छा ऑप्शन मिल रहा है, बात तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन और बटने वाला है, लेकिन आपका अच्छा ऑप्शन मिल रहे, आपने इंतजार किया, इसका फायदा जरूर होने वाला है, आने वाले दिनों में और भी गाड़ियों के बारे में हम वीडियोस अपलोड करने वाला है और ट्राइबर के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने वाला है, इसलिए कृपा करके सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को, बेल बटन दबाइए, क्योंकि आपको जल्द से जल्दी अपने नए वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।